हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वेयर द ट्रूथ लाइज ये 2005 की एक मर्डर मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रिपोर्टर एक बुक के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सारी चीजें बाहर निकल रही है, यही इस मूवी की स्टोरी लाइन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। अब बिना किसी देरी के मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में ही हम टीवी के दो एंकर्स देखते हैं, एक का नाम है लैनी और दूसरे का नाम है विंस। ये दोनों एज ए डियो ही काम करते हैं। लैनी कुछ फनी करता है और उसे जस्टिफाई करने का काम विंस करता है। इसी तरीके से इनका एक्ट चलता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट है। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बड़ी सी चैरिटी के लिए इन दोनों ने टीवी इवेंट रखा है। बहुत दिनों तक ये चल रहा था तो कंटिन्यूसली वहां एंकरिंग कर रहे थे, इन्होंने थोड़ा भी ब्रेक नहीं लिया है। इसके बाद डायरेक्टली इनके ही होटल रूम में हमें एक बॉडी दिखती है, जिसकी बॉडी थी उसका नाम था मॉरिन। अब मॉरिन का मर्डर किसने किया था, यही इस मूवी की मिस्ट्री है। इसके बाद मूवी में बहुत सारा टाइम गुजर चुका है। फर्स्ट सीन जो हमने देखा था, इसमें विंस और लैनी ये दोनों यंग थे। इन दोनों ने अलग अलग करियर पाथ चूज किए और अब ये अपने 50s में है। इसके बाद हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है कैरन, ये विंस के साथ एक कैफे में आई हुई हम देखते हैं। कैरन एक जर्नलिस्ट है और वो विंस को मना रही है कि उसे बुक लिखनी चाहिए। कैरन को पब्लिशर से उसे $1 million ऑफर करने के लिए बताया गया है। अब बहुत सालों पहले क्या हुआ था, मॉरिन की बॉडी विंस और लैनी के रूम में थी, तब वहाँ क्या हुआ था, ये सब चीजें कैरन चाहती है कि विंस अपने बुक में लिखे। वो विंस को कहती है कि तुम्हें सिर्फ उस दिन के बारे में फैक्ट्स बताने हैं, मैं सब कुछ जैसा होगा वैसा ही लिख डालूंगी, फिर लोग अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लैनी और विंस अब एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, इसका पीछे का रीजन भी उसे चाहिए। विंस का करियर पहले जैसा नहीं रहा, उसे भी पैसों की जरूरत है, तो इसके लिए वो इस डील के लिए मान जाता है। अब हमें मूवी में पता चलता है कि जिस तरह से विंस अपना बुक लिख रहा है, उसी तरह से लैनी ने भी अपना बुक लिखना स्टार्ट किया है। लैनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब स्टोरी आगे बढ़ती है। लैनी की राइटिंग अनसेंसर्ड है, वो जैसा था वैसा ही सब कुछ बताता है। वो कहता है कि जब हमने चैरिटी के लिए इवेंट किया था, वहां पर एक छोटी पोलियो की लड़की भी आई थी, उसे लाना उसकी पब्लिसिस्ट का आइडिया था। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यह अच्छा हो सकता है, ऐसा उसे लगा था। रात में उसकी पब्लिसिस्ट के साथ ही वो इंटीमेट हो गया। उन्होंने जब रूम सर्विस मंगवाई तब वो कार्ड लेकर मॉरिन आई। मॉरिन वही लड़की है जिसकी डेथ बाथटब में हुई थी। मॉरिन भी लैनी की बहुत बड़ी फैन थी, वो कॉलेज में जर्नलिज्म पढ़ रही थी तो इसीलिए उसे लैनी का इंटरव्यू चाहिए था। लैनी के पब्लिसिस्ट ने उसे मना कर दिया, पर फिर भी लैनी एक पेपर पर नोट लिख देता है, उसे बाद में आने के लिए कहता है। अब लैनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सब चल रहा था, ये सब चीजें कैरन को उसके लॉयर पढ़ने के लिए देते हैं। जैसे हमें पता है कि कैरन विंस के लिए बुक लिख रही थी, तो उसे डीमोटिवेट करने के लिए ये सब वो करते हैं। लैनी अपनी स्टोरी आगे बढ़ाता है, वो कहता है मुझे जो भी लड़की चाहिए थी वो मुझे मिल जाती थी। कभी हम स्टैंड अप कॉमेडी करते थे तब रूम में से ही मैं कोई चूज कर लेता था। लैनी के लिए एक काम करने वाला आदमी था, उसका नाम था रूबन। लैनी कहता है कि लड़की के साथ कोई भी हो, पर रूबन हमेशा उसे भगा देता था। कोई भी प्रॉब्लम आई तो सब रूबन सॉल्व करता था। एक दिन ऐसे ही लैनी स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, उसने उस लड़की के साथ अनअप्रोप्रिएटली बात की। उस लड़की के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था तो उस पर वो चिढ़ गया। उस बॉयफ्रेंड ने लैनी को गालियां देनी स्टार्ट कर दी। लैनी ने फर्स्टली इसे जरा सीरियसली नहीं लिया। लैनी जू था तो उस बॉयफ्रेंड ने उसको जू पर भी गाली दी। लैनी इस पर बहुत ही चिढ़ गया था, पर विंस ने उसे कंट्रोल करने के लिए कहा। विंस उस लड़की के बॉयफ्रेंड को बाहर लेकर गया, प्राइवेट जगह पर ले जाकर उसे बहुत मारा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विंस और लैनी इन दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही स्ट्रांग है। इसके बाद हमें फिर से कैरन का प्रेजेंट दिखाया जाता है। एक दिन कैरन अपने काम के लिए ट्रैवल कर रही थी तो वहां उसे लैनी मिला। एरोप्लेन में इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ही लंच किया। लैनी को कैरन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो कैरन ने अपनी आइडेंटिटी छुपा दी। उसने कहा कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। इन दोनों में बहुत सारी बातें हुई और एक दूसरे को वो लाइक भी करने लग गए। लैनी कैरन को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने के लिए आया। कैरन उसे ऊपर नहीं ले जाना चाहती थी, पर वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट तक छोड़ दूंगा, आज हम दोनों कुछ भी नहीं करेंगे। लैनी उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ देता है और जाते जाते कहता है कि कल मेरा शो है,
उस शो के बाद मैं तुम्हें कॉल करूंगा, उसके बाद हम मिलेंगे। ऑफिशियल फर्स्ट डेट पर वो फिर जाने वाले हैं। अब हमारी स्टोरी फिर से लैनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ती है। जैसे हमें पता है कि लैनी और विंस का टीवी का एक बड़ा इवेंट था। इस इवेंट के बाद ये बहुत एग्जॉस्टेड थे, पर फिर भी उनका एक स्टैंड अप कॉमेडी का इवेंट था जिसके लिए उन्हें आना पड़ा। ये इस इवेंट में नहीं जाना चाहते थे, पर जिस आदमी का ये इवेंट था वो एक गैंगस्टर था। उसका नाम था सैली। सैली गैंगस्टर था, पर फिर भी उसके लिए सब पुलिस काम करते थे। उसने विंस और लैनी के लिए एक बड़ा सा स्वीट बुक किया था। अंदर जाकर जब इन्होंने देखा तो वहां मॉरिन की बॉडी पड़ी हुई थी। अभी अभी स्टोरी लैनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही थी, पर ये सब उसने मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी हुई है। यही मैन्युस्क्रिप्ट लैनी के लॉयर कैरन को भेजते हैं। वो उसे डीमोटिवेट करना चाहते हैं। टीवी इवेंट के बाद रात में क्या हुआ था अब हमें इस मैन्युस्क्रिप्ट से पता चलता है। लैनी कहता है कि सब काम कर वो एग्जॉस्ट हो जाता था। थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ये दोनों गोलियां लेते थे। टीवी इवेंट खत्म कर जब ये दोनों अपने रूम में आए तब गैंगस्टर ने उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट भिजवाए थे। इसमें लॉबस्टर्स कुछ फ्रूट्स दिख रहे थे। ये उसके लिए स्टैंड अप कॉमेडी का एक इवेंट करने वाले हैं, उसीलिए उन्हें गिफ्ट देता है। फिर लैनी कहता है कि उस रात मैंने मॉरिन को कॉल किया। मॉरिन के साथ उसने एक प्रोस्टिट्यूट को भी मंगवाया। लैनी और विंस इनके साथ फिर इंटीमेट हो गए। ये सीन यही खत्म होता है। कैरन को अभी भी ये सब बिलीव नहीं होता, क्योंकि हमेशा लैनी बहुत ही एक अच्छा आदमी है ये वो बिलीव करती थी। लैनी की स्टोरी में उसने कहा है कि उसने प्रोस्टिट्यूट मंगवाई थी, पर वैसा कुछ भी नहीं था। उस रात उनके रूम में सिर्फ मॉरिन आई हुई थी। सुबह होने पर लैनी कैरन को कॉल करता है। ये डिनर के लिए एक चाइनीज रेस्टोरेंट में आते हैं। इस डेट पर कैरन लैनी से कहती है कि मैं हमेशा से पब्लिशिंग में काम करना चाहती थी। वो लैनी को सजेस्ट करती है कि तुम्हें भी बुक लिखनी चाहिए। लैनी कहता है कि मैं मरने के बाद ये पॉसिबल है, और लिटरली, क्योंकि अगर उसने अभी ये बुक लिखी तो बहुत सारे लोगों को वो अपसेट करेगा। वो अपने दिल की बात उसे कहता है। वो कहता है कि जब तुम एक बुरे आदमी हो और तुम्हें प्रिटेंड करना पड़े कि तुम अच्छे हो तो यह बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लोगों के बारे में, बाकी सब चीज़ों के बारे में वो जिस तरह से फील करता है, अगर उसने उसी तरीके से बुक में लिख डाला तो बहुत लोगों को वो हर्ट करेगा। शेफ को लैनी ने कहा था कि जो भी स्पेशल हो वो सब लेकर आओ। इस डिनर में लॉबस्टर भी है। वो चिढ़ कर शेफ से कहता है कि इतनी बार मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ, कभी भी मैंने लॉबस्टर ऑर्डर नहीं किया, तुम क्यों ये लेकर आए हो। इसके बाद लैनी अपने आप को कंट्रोल करता है और ये सही से बातें करते हैं। इसके बाद ये दोनों रात में इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे कैरन को उसके पब्लिशिंग हाउस में बुलाया जाता है। वो उसे कहते हैं कि विंस को उसके बुक के लिए तुम अलग अलग क्वेश्चन पूछने वाली हो। मॉरिन के साथ क्या हुआ था ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये कैरन को किसी भी हालत में लानी है, क्योंकि ये पब्लिशिंग कंपनी विंस को $1 million पे कर रही है। ये इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैरन अब और भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मॉरिन की मदर के पास पहुंचती है। मॉरिन के जाने के बाद उसके पेरेंट्स का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। फादर की डेथ 6 ईयर पहले ही हो चुकी है। मदर कैरन को बाहर लिख रहती है। वो कहती है मॉरिन के फादर ने उसकी अस्थियां लेकर यहाँ एक पेड़ लगाया था। इस पेड़ को देखकर हमेशा उसे मॉरिन की याद आती है। कैरन मदर से पूछती है कि विंस से मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे थ्रू आप पूछ सकते हो। मदर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछती है। इसके बाद कैरन जिस दिन मॉरिन की बॉडी मिली थी उस क्राइम सीन पर जो पुलिस ऑफिसर था उसे मिलने के लिए आती है। जो स्टोरी उन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह में बताई थी यही स्टोरी फिर से पुलिस ऑफिसर उसे बताता है। कैरन के फोर्स करने के बाद वो कहता है कि मॉरिन के बॉडी पर मार्क्स थे। ये मार्क किस वजह से थे ये किसी को भी पता नहीं चला। बाद में कैरन ने इस पर बहुत सोचा। उसके बाद उसे रियलाइज हुआ कि लैनी को लॉबस्टर नहीं पसंद। जिस रात मॉरिन लैनी और विंस के रूम में आई थी उस रात गैंगस्टर ने इन दोनों को लॉबस्टर गिफ्ट किए थे। एक पूरा क्रेट उसने भिजवाया था। वो फिगर आउट कर लेती है कि उस रात ही मॉरिन की डेथ हो चुकी थी। उस लॉबस्टर्स के क्रेट में ही मॉरिन की बॉडी को उन्होंने डाल दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि कैरन डायरेक्टली विंस के पास आती है। विंस कैरन को अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करता है। एक दिन कैरन को सुपरमार्केट में रूबन मिलता है। ये लैनी के लिए काम करता है। कैरन और लैनी जब इंटीमेट हुए थे तो लैनी सुबह में ही निकल गया था। उसके बाद उसने कभी उसे कॉल ही नहीं किया। लैनी से कैरन बहुत ही गुस्सा है। रूबन कैरन को कहता है तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो बुरा हुआ, पर लैनी तुम्हारे लाइफ में नहीं है, यही तुम्हारे लिए सही है।
क्योंकि लैनी एक अच्छा आदमी नहीं है। ये कहकर वहां से वो चला जाता है। अगले दिन कैरन फिर से विंस से मिलने वाली थी। विंस को एक स्कूल के फंक्शन में बुलाया गया था, तो वही उसने कैरन को भी बुला लिया। इस स्कूल फंक्शन में एलिस इन वंडरलैंड ये प्ले करने वाली एक ब्यूटीफुल लड़की थी। फंक्शन हो जाने के बाद विंस बहुत ही एग्जॉस्टेड था, तो कैरन को उसने नेक्स्ट दिन आने के लिए कहा। नेक्स्ट दिन कैरन जब वहां पहुंचे तो विंस ने कहा कि हमें आज लैनी भी ज्वाइन करने वाला है। कैरन ने लैनी को झूठ कहा था कि वो एक टीचर है। विंस कहता है कि जो भी मैं आज तुम्हें बताऊंगा ये बहुत ही सेंसिटिव है, अगर लैनी यहाँ रहेगा तो मुझे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कैरन इस बात से बहुत डर जाती है। अगर विंस को पता चला कि वो लैनी के साथ थी तो शायद उसकी बुक डील खत्म हो जाएगी। वो डर कर वहां से जाने की कोशिश करती है, पर लैनी बाहर ही था। कैरन लैनी को समझाने की कोशिश करती है, पर वो उस पर बहुत ही चिढ़ जाता है। कैरन अब फिर से लैनी से पूछती है। वो कहती है कि तुमने मेरे लिए कोई मैसेज भी नहीं छोड़ा था। ये सुनकर लैनी सरप्राइज्ड है। वो कहता है कि मेरा एक शो था, उसके लिए मुझे सुबह ही जल्दी जाना पड़ा। ये आर्ग्यू कर रहे थे तभी विंस ने ये सब देख लिया। इन दोनों को उसने जाने के लिए कहा। लैनी कैरन से कहकर जाता है कि उस रात जो हुआ था ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, अब शायद तुम्हें उस रात के बारे में कभी भी पता नहीं चले। कैरन भागते भागते विंस से माफी मांगने के लिए आती है। विंस कहता है कि नाइट में तुम फिर से आना, हम तब डिसाइड करेंगे। रात में विंस और कैरन ये डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त विंस एक गोली लेता है, कैरन को भी ऑफर करता है। कैरन पहले मना करती है, पर उसे लगता है कि उसकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग है, इस गोली का असर उसे नहीं होगा। जब वो छोटी थी तब उसे पोलियो था, अपनी विल पावर से ही अपने पोलियो को उसने क्योर किया था। उसे अभी भी लगता है कि इस गोली की उस पर पावर नहीं आएगी। टीवी मैराथन में जिस छोटी लड़की को पोलियो हुआ था ये कैरन ही थी, इसीलिए लैनी को अपना हीरो मान दिया। डिनर करने के बाद विंस की इंटरव्यू जब वो लेना स्टार्ट करती है तो अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। वो अब कुछ भी बात नहीं कर सकते। छोटे बच्चों के प्ले में जो ब्यूटीफुल लड़की थी उस लड़की को विंस ने बुला लिया है। नशे में कैरन इस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाती है। सुबह होने पर कैरन रियलाइज करती है कि उसने कल रात क्या किया। उसे ये भी पता होता है कि विंस ने गोली ली ही नहीं थी। वो विंस को कन्फ्रंट कर पूछती है कि तुमने ऐसा सब क्यों किया। वो कहता है कि मेरे बारे में तुम्हें बहुत सारी चीजें अब पता चलेगी, तुम पर भी मुझे कुछ पता होना चाहिए। जब वो लड़की और कैरन इंटीमेट हो रहे थे तब इन दोनों की फोटो विंस ने ले ली थी। वो अब कैरन को ब्लैकमेल करता है। वो कहता है अब तुमने उल्टी सीधी कोई हरकत की तो मैं सारे फोटोज आउट कर दूंगा, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। कैरन इस पर डरती नहीं। वो कहती है कि तुमने कल रात मेरे साथ जो भी किया ये सब कुछ चीजें मैं बता दूंगी। विंस कहता है कि मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, वो मेरा प्रेफरेंस नहीं है। यही चीज कैरन ने लैनी की बुक में भी पढ़ी थी। कैरन विंस को कहती है तुम्हारी पूरी बुक डील ये मेरे हाथों में है, मेरी वजह से ये सब कैंसिल हो सकता है। विंस गुस्से में आकर कैरन का गला दबाने की कोशिश करता है, बाद में उसे छोड़ देता है। कैरन पूछती है क्या इसी तरीके से तुमने मॉरिन को भी मारा था। विंस कहता है ये सब चीजें तुम लैनी से पूछो। सीन यही खत्म होता है और हम देखते हैं कि विंस उसी होटल में आ चुका है जिस होटल में मॉरिन की बॉडी उन्हें मिली थी। वो बहुत सारी अर्गोल ऑर्डर करता है, उसके टॉलरेंस से ज्यादा गोलियां लेकर उसकी डेथ हो जाती है, उसने सुसाइड कर ली। घर आने के बाद कैरन को लैनी के बुक का फिर से एक चैप्टर मिलता है। मॉरिन से जब वो मिला था तब उस रात क्या हुआ था इस चैप्टर में सब कुछ लिखा हुआ है। लैनी की पॉइंट ऑफ व्यू से अब स्टोरी आगे बढ़ती है। उस रात मॉरिन उसका इंटरव्यू लेने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। उन्होंने सही से इंटरव्यू कम्प्लीट किया। उसके बाद लैनी और विंस ये दोनों मॉरिन के साथ इंटीमेट हो रहे थे। इंटीमेट होते वक्त ही लैनी को पता चला कि विंस गे है। लैनी उस पर बहुत ही चिढ़ गया। उसने कहा कि हम एक दूसरे के साथ ये नहीं कर सकते। मॉरिन को भी ये सब अब पता चल गया है कि विंस गे है। अगर ये बात बाहर निकल जाती तो विंस का जीना मुश्किल हो जाता। मॉरिन उन्हें ब्लैकमेल करने लग गए। उसने लैनी से कहा कि मुझे अब बहुत सारे पैसे चाहिए। वो जर्नलिस्ट ही बनने वाली थी तो इसके बारे में वो लिख सकती है। लैनी भी उसे पैसे देने के लिए मान जाता है। उसने गोलियां ली थी तो उसे बहुत नींद आ रही थी। वो सोने के लिए चला गया। सुबह वो बहुत ही लेट उठा। वो उसकी स्टोरी में लिखता है कि मैंने पूरी रूम लॉक कर ली थी, रात में कोई भी रूम से अंदर बाहर नहीं आ सकता था। उस रूम में मॉरिन, लैनी और विंस सिर्फ तीन ही लोग थे। लैनी को 100% मालूम था कि विंस ने ही मॉरिन को मार डाला। उसके बाद उसके साथ वो काम करना नहीं चाहता था, उनका ब्रेकअप हो गया। ये सब स्टोरी पढ़ने के बाद मॉरिन लैनी के पास आती है।
विंस डेड है तो उसकी बुक कंप्लीट करने के लिए लैनी ही उसे हेल्प कर सकता है। वो लैनी को कहती है कि विंस बहुत ही फनी था, उसकी ये साइड बाहर आनी चाहिए, तुम मुझे हेल्प कर सकते हो। लैनी कहता है कि तुम्हारी वजह से उसने सुसाइड कर ली, उसे कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला। लैनी की बुक का लास्ट चैप्टर जो कैरन ने पढ़ा हुआ है उसके बारे में बोलती है। लैनी इसको सुनकर सरप्राइज्ड होता है क्योंकि लैनी ने वो चैप्टर उसे भेजा ही नहीं था। वहां से उसे निकल जाने के लिए कहता है। बिल्डिंग से बाहर आने के बाद रूबन उसे स्पॉट करता है, उसे बात करने लग जाता है। वो कहता है कि जिस रात मॉरिन की डेथ हुई उस रात उसने जो इंटरव्यू ली थी उसकी टेप मेरे पास है। इस टेप से पता चल सकता है कि उस रात एक्चुअल में हुआ क्या था। इस टेप के लिए वो $1 million मांगता है। ये सुनने के बाद ही कैरन को क्लिक होता है। जब उसने लैनी को कन्फ्रंट किया था कि उसने उसके लिए कुछ मैसेज भी नहीं छोड़ा, तब लैनी सरप्राइज था। लैनी के साथ हमेशा रूबन हुआ करता था, तो शायद रूबन ने ही वो नोट गायब कर दी थी। जो मैन्युस्क्रिप्ट उसे मिली थी ये भी रूबन ने ही डिलीवर की थी। रूबन हमेशा से इस टेप को लेकर विंस और लैनी को ब्लैकमेल करना चाहता था। उन दोनों को गैंगस्टर का सपोर्ट था इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया। गैंगस्टर की अभी अभी डेथ हुई तो उसके बाद वो फिर से ब्लैकमेल करने वाला था, पर अचानक से अब विंस की भी डेथ हो चुकी है। उसके पास जो टेप है वो किसी भी काम की नहीं। उसने फिर लैनी की बुक का चैप्टर कैरन को भेज दिया। अगर वो चैप्टर और रूबन की टेप मैच कर जाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूबल बनती है। इसके लिए उसे $1 million मिल सकते हैं। पर कैरन और भी स्मार्ट है। वो कहती है उस रात विंस और लैनी इन दोनों में से किसी ने भी मर्डर नहीं किया था। उस रूम में तुम भी थे। जब सब लोग सोने के लिए चले गए तब तुमने मॉरिन को मार डाला। लैनी को लगा कि सब रूम लॉक थे, पर जब रूबन उसे सुबह उठाने के लिए आया तब उसने सब फिर से लॉक कर लिया था। उसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है तो रूबन को कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देने वाली। रूबन भी वहां से चला जाता है। 20 सालों तक लैनी और विंस एक दूसरे पर शक करते रहे। मॉरिन की डेथ के बाद इन दोनों की लाइफ बहुत ही हार्ड हो गई। इन दोनों में से किसी ने भी मर्डर नहीं किया था। इसके बाद कैरन मॉरिन की मदर के पास आती है। वो उसे समझाती है, कहती है कि लैनी और विंस के बारे में उसे कुछ समझ में आ गया था इसीलिए उसकी डेथ हुई। मदर चाहती थी कि मॉरिन के साथ क्या हुआ था ये सब कुछ वर्ल्ड को पता चले। मॉरिन मदर से कहती है अगर मैंने ये स्टोरी अब आउट कर दी तो कोई है जो बहुत ही हर्ट हो जाएगा। वो मदर के ही बारे में बात कर रही थी। मॉरिन की सच्चाई अगर मदर को पता चली तो उसे बहुत दुख होगा। मदर भी इस बात के लिए मान गए। ये स्टोरी अब मॉरिन मदर के मर जाने के बाद ही पब्लिश करेगी। इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।